मैं तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तमाम कैजुअल लेबर डेली वेजर को पक्का करो, पक्का करो। तमाम कैजुअल लेबर डेली वेजर को पक्का करो, पक्का करो। 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 रेगुलर पॉलिसी लागू करो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो, रेगुलर पॉलिसी लागू। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। नहीं देना ते कुर्सी छड, नहीं देना ते कुर्सी छड। लाजो एकता जिंदाबाद, लाजो एकता जिंदाबाद, लाजो एकता जिंदाबाद। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। नहीं देना ते कुर्सी छड, नहीं देना ते कुर्सी छड। के हमारा वही हमारा धरना प्रदर्शन का कोई इरादा नहीं था। हम काम करते हैं तो वही हमारा दाल फुल्का चलता है। हमारी अफसर साहिबान के साथ यही मीटिंग हुई थी कि आप बार बार हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं है, जो भी फैसला लेना होगा गवर्नमेंट ने लेना, आपका पहले नंबर जो होगा रेगुलर पॉलिसी का, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको करेंगे। सैलरी हमको टाइम पर मिलती है, लेकिन कुछ हमारे अधिकार ऐसे हैं जो हमारे मुलाजिम को बाहर निकाल निकाल के धरना प्रदर्शन पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन उनको हरासमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो बोलते हैं कल हमने एक डाक बॉडी बनाई है, हमने हमने जूनियर बना दिया। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि किस बात की जूनियर का 225 वाला क्या जूनियर बनाएगा? अपनी उबाज जो सेंट्रल गवर्नमेंट तक एलजी साहब तक पहुंचाना चाहता है, बाकी का कोई जूनियर नहीं, कोई हमारा प्रेसिडेंट, कोई हमारा लीडर नहीं है। हम सिर्फ 225 तोड़ेंगे, इसके लिए हम लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप सुधर जाओ, परमानेंट को टी ए डी ए सब कुछ मिल गया तो क्या लागत पड़ गई है जो धरना प्रदर्शन करने की? क्यों बीच में आ रहे हमारे बीच में? हम तो 225 के हमारी खातर, वो आप क्यों अपना कैरियर खराब कर रहे हो? हमें 225 वाले को ज्यादा भूख है, ज्यादा परेशानी है, वो धरना प्रदर्शन पर आ सकता है। आप लोगों को क्या, आप लोगों को अगर 16 से 28 दिया, मैं कहता हूं अगर 16 से आपको 8 देते थे ना, तो फिर आप धरना प्रदर्शन करते थे, तो हमें भी दुख होता था कि आपको भी परेशानी है। किस बात की परेशानी है? मैं एलजी साहब का शुक्रिया करना चाहता हूं, इधर से ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो परमानेंट अप्लाई की बात सुनी है। लेकिन इनको शौक क्या बढ़ गया? हम दरबदार हो रहे, हमारे बच्चे स्कूल में बाहर निकाले जा रहे हैं, फीसें नहीं हो रही है, तो आप धरने प्रदर्शन की बातें कर रहे हो, आप जूनियर बुला रहे हो। 25 साल हो गया हमें जूनियर देखते हुए, आज जूनियर नहीं बनेगी ना कुछ होगा। हम काम भी करेंगे, 225 के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे, इसके लिए हद तक जाएंगे, चाहे के लिए कुछ भी होगा। जय हिंद, जय भारत। आपकी अनेकों समस्याओं का समाधान करने वाले काले और रूहानी इल्म के बेताज बादशाह हैं मियां रहमान जी, तंत्र मंत्र और यंत्र के स्पेशलिस्ट। मियां रहमान जी से मिलें और अपनी समस्याओं का तुरंत समाधान पाएं, जैसे कारोबार, नौकरी, ग्रह क्लेश, प्यार मोहब्बत, संतान प्राप्ति, सौतन दुश्मन से छुटकारा, किया कराया, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी के चक्कर, देश विदेश यात्रा में रुकावट, वशीकरण व मुठकरणी के सुपर स्पेशलिस्ट हैं मियां रहमान जी। मुझे इस जिंदगी से जैसे घुटन सी होने लगी, मेरा दम घुटने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे ग्रहों का दोष है या मेरी जन्म कुंडली में चल रही कोई गलत दशा। मियां रहमान जी की कृपा से मेरी जिंदगी खुशियों से भर। देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहनें एक बार फोन करके सेवा का मौका जरूर दें। पता मियां रहमान जी, जम्मू गांधीनगर गोल मार्केट, फोन 98184 42845।